हमारे लखनऊ शहर में एक ऐसे भी गणपति हैं जहां पे आप जो भी मन्नत मांगोगे वो पूरी होती है, और उन गणपतियों को कहा जाता है मनौतियों के राजा, आपकी मन्नत पूरी करने वाले। तो इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिए जानने के लिए कि ऐसे कौन से गणपति हैं हमारे लखनऊ शहर में जो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अच्छा, ये नया स्टाइल है आपकी बात, तो ये इस सीजन का नया स्टाइल है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जैसे ये पीछे रखे ये वाले हैं, ये लालबाग का राजा कितने का है? तो बप्पा घर आने को है, लखनऊ सजने को तैयार है और कमाल के महोत्सव की तैयारी हो चुकी है। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, झूलेलाल वाटिका में हमारे गणेश चतुर्थी की ग्रैंड फंक्शन की तैयारी चल रही है। अभी तो यहाँ पे खाली प्रिपेरेशन चल रही है, लेकिन जो लोग ये ब्लॉग देख के आएंगे उनके लिए बता दूँ कि 19 तारीख से लेकर 28 तारीख तक भव्य समारोह यहाँ पे होगा, यहाँ पे ज़रूर आना। और आज के ब्लॉग में हम ये तो देखेंगे ही देखेंगे, और भी जगह देखेंगे लखनऊ में, आपको कहाँ गणपति मिलेंगे, क्या प्राइस में मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली। तो बिना देरी करते हुए मजेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि हमें 1 मिलियन फैमिली जल्दी से बना दो, ठीक है? वीडियो को लाइक कर देना, फिर फैमिली का शेयर कर देना, और पप्पा का नाम लेके मजेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप ये जो पंडाल लगा हुआ है इसे मनौतियों के राजा भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप अपने दिल की जो मन्नत होती है वो आप लिखिए, 108 बार पहले वो लिखिए कि ओम गम गणपते नमः, और नीचे फिर आप अपनी विश लिखिए, और यहाँ की मान्यता है कि वो डेफिनेटली पूरी होती है। और हर साल तकरीबन 50,000 से लेकर 60,000 लोग यहाँ पे आके अपनी विशेज लिखते हैं और वो डेफिनेटली पूरी होती है। तो मैं तो आने वाला हूँ भाई, यहाँ पे पूजा भी करूंगा, मैं भगवान की दर्शन भी करूंगा और अपनी मन्नत जरूर लिखूंगा। आपकी मन्नत क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये रहे मनौतियों के राजा का जो ऑफिशियल ये है, और आप देख पा रहे हो कि 19 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक ये वाला जो फंक्शन है वो चलने वाला है, ठीक है? और मैं आपको डिटेल्स बाकी आगे बताता हूँ। तो देखिए 19 तारीख को तो जो है हमारी मूर्ति आएगी, 20 तारीख को गजरा और सिंदूराभिषेक, 21 को होगा, 22 तारीख को दरवाचन दुर्भाभिषेक होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको एग्जैक्टली फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा कौन से तारीख को कहाँ पे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मनौतियों के राजा के पास आ रहे हो तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ना भूलना, और इसकी जो लोकेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप लोकेशन फॉलो करके आ सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं रामकृष्ण मठ की तरफ IT चौराहे पे, और यहाँ पे हमने भैया से बात की, सौरभ भैया का नाम है, और भैया के पास ना बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो आइए भैया से मूर्तियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, ठीक है? आइए तो कुछ मूर्तियाँ आपको दिखाते हैं। अगर आपको ये गणपति अपने घर पे मूर्तियाँ लानी है, बप्पा को घर पे बैठाना है, तो आइए आपको कुछ गणपति और उनके प्राइजेस दिखाते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। तो आओ, तो भैया सबसे पहले ये गणपति का क्या प्राइस है भैया? ये भैया बता रहे हैं हमें कि 1100 रुपये में आप इनको घर ले जा सकते हैं। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत गणपति हैं। भैया जो छोटे हैं इनसे थोड़े से ये 700 रुपये के हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा आप टाइट बजट पे हो तो आप ये वाले बप्पा घर ले जा सकते हो, ये 700 रुपये के हैं, भैया ने हमें बताया। भैया इनसे थोड़ा सा बड़े, जैसे आपके वहाँ पे नीले मुकुट वाले हैं, तो ये भैया ने हमें बताया कि अगर आप हल्का सा बड़े गणपति लेते हैं, जैसे वो नीले मुकुट वाले या फिर ये जो मजेंटा मुकुट वाले हैं, ये 1600 रुपये के आपको मिल जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से गणपति ले जाने हैं। भैया एक मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ आप उनका रेट, जो नीले रंग के बैठे हुए आपके पीछे, हाँ ये 3100 रुपये के गणपति, और मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। तो रेट जो है बहुत पॉकेट फ्रेंडली होने वाले हैं यहाँ पे आपको मिलने वाले। भैया ये सारे के सारे इको फ्रेंडली हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो जैसे कि भैया ने हमें बताया कि सारे के सारे गणपति, आप भैया से कोई से भी गणपति ले जाइए, सबके सब इको फ्रेंडली होंगे, तो आप नेचर को बिल्कुल हार्म नहीं करेंगे, आप अपना फेस्टिवल खुल के एंजॉय कीजिए,
बप्पा को घर लाइए, बप्पा का नाम लीजिए, विघ्नहर्ता, आपके सारे विघ्न हरेंगे। और आप कौन सी मूर्ति लेके जाओगे मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो आज हमें हमारे कुछ दोस्त मिल गए यहाँ पे, शूट कर रहे हैं। प्रिंस भाई हैं जो कैमरे से डरे डरे भाग रहे हैं। तो लाइए प्रिंस भाई से जानते हैं आज वो क्या शूट कर रहे हैं, हम जानकारी लेते हैं। तो प्रिंस भाई आज आप क्या शूट करने के लिए, यही बताओ। यहाँ शूट करने के लिए हैं रील लखनऊ के बारे में, वैसे बताते हैं अपने पेज के माध्यम से सभी लोगों को। लेकिन आज क्या है कि आने वाली है गणेश चतुर्थी, है ना। तो गणेश चतुर्थी में किस तरह के सभी लोग कहाँ पर सामान ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। सो बेसिकली मुझे तो ये जगह पता है, मैं 2-3 सालों से आ रहा हूँ, तो सभी लोगों को नहीं पता था। मैंने सोचा चलो बताते हैं, तो जल्दी रील आएगी मेरे पेज पे, सभी लोग देखिएगा। भैया आपने जरा क्या शूट करा, चलो थोड़ा सा हम कंटेंट यार देखें कंटेंट क्या क्या शूट करा। फर्स्टली तो थोड़ा फेस वगैरह के बारे में, अपने फेस से स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो विनोद, सिनेमैटिक शूटिंग चल रही है। भैया ये वाले गणपति जी का क्या प्राइस है? ये 11,000 के। और ये सिंहासन वाले, ये 7,000 के। ये बुक हो चुके हैं लगभग, काफी हद तक आपके गणपति जितने भी हैं बुक हो चुके हैं ना। और वो पीछे आपके जो हैं वो काले रंग के जो हैं, करीब लग रहे हैं यहाँ पे 5,500 रुपए का। ये सारे के सारे इको फ्रेंडली में है भैया। तो ये हर साल का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है कि कौन सी मूर्ति घर लेके जानी है, क्योंकि आप जिस भी मूर्ति को देखोगे वो मनमोहक लगती है। एक से बढ़कर एक मूर्तियां होती हैं, छोटे बड़े बहुत बड़े हर साइज के आपको गणपति मिल जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके बजट के ऊपर है, आपके घर के, और आप जहाँ पे भी गणपति बिठाते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े गणपति लेके जाओगे। और एक से बढ़कर एक गणपति यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये आपकी चॉइस है। आप लेकिन अब तक दिखाए हुए कौन से गणपति घर लेके जाना चाहोगे मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं डेफिनेटली वेट करूंगा कि आपको कौन से गणपति अपने घर लेके जाने हैं। मेरे फेवरेट कौन से वो मैं व्लॉग में आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ये वाला 3500 का, 5100 और ये 6000। ये बहुत सही, और पगड़ी पहन रखी है इन लोगों ने। तो अब की बार ये आंटी कुछ नया स्टाइल आया है, पगड़ी और ये क्या बोलते धोती वाला। अच्छा ये नया स्टाइल आया अब की बार, तो ये इस सीजन का नया स्टाइल है। अच्छा बहुत बढ़िया। और जैसे ये पीछे रखे ये वाले हैं, ये लालबाग का राजा कितने का है? इस साल का लालबाग का राजा कितने का है ये वाला? ये 4,000 रुपए का है। कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा? बिल्कुल दे देंगे आंटी डिस्काउंट, क्या बात है। तो ये अच्छा पूरे मार्केट से सबसे कम रेट में आप दे दोगे, अरे बहुत बढ़िया। तो आई होप गाइस कि आपने ये वाला वीडियो यहाँ तक देखा है, और आप गणपति लेने और अपनी मनोकामना पूरी करने झूलेलाल वाटिका जरूर जाओगे। अगर ऐसा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत जल्द हमें 1 मिलियन यूट्यूब फैमिली बनना है जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, गणपति का फेस्टिवल एंजॉय करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।